Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In today's lecture we will discuss chapter number 1, that is basics of information technology, aur isko hum cover karenge up to audio video input devices. Iske jo topics hum cover karenge aaj ke lecture mein wo hai hamare paas introduction to information technology, basics of computer, hardware devices, software and its types, keyboard, pointing devices, source data entry devices and audio video input devices. Sabse pehle hamare paas data hai. डेटा एक्चुअली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को बोलते हैं. ये अनप्रोसेस फॉर्म के अंदर होता है, उसके अलावा ये मीनिंगलेस होता है और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें कोई हेल्प नहीं देता. अगर डेटा के ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है. इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें हेल्प आउट करती है. डेटा प्रोसेसिंग, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग हम परफॉर्म करेंगे तो वो आपका डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है. डाटा प्रोसेसिंग को हम नॉर्मली कंप्यूटिंग भी बोलते हैं. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली आपका वो टेक्नोलॉजिकल मर्जर है जो कंप्यूटिंग को और हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को आपस में कनेक्ट करता है. वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स क्या करते हैं, डाटा को कैरी करते हैं. और डाटा किस फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, साउंड के फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज या वीडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है. डिजिटल कन्वर्जेंस, डिजिटल कन्वर्जेंस एक्चुअली कम्बिनेशन है वेरियस इंडस्ट्रीज का जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डाटा को एक्सचेंज करते हैं. और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें हमारे पास कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है और मैस मीडिया है. मॉडर्न सिनेरियो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न सिनेरियो के अंदर जिन जिन फॉर्म्स के अंदर यूज होती है वो फॉर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उनमें सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप से कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो ले सकें. उसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास रोबोट्स आते हैं और ऑटो पायलट्स वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स हैं. ई कॉमर्स, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एक ये आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स और इंटरनेट की मदद से किसी चीज़ को परचेज या फिर सेल करते हैं. एम कॉमर्स, एम कॉमर्स स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स और ये आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम मोबाइल्स के थ्रू कोई ना कोई चीज़ परचेज करते हैं या फिर उसको सेल आउट करते हैं. कंप्यूटर एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन एक्चुअली वो आर्ट है जिसके अंदर हम मूविंग इमेजेस को क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट कार्टून्स जो हैं और इसके अलावा डिफरेंट ग्राफिक्स की एनिमेशन वगैरह जो हैं वो सारी के सारी कंप्यूटर एनिमेशन की एग्जाम्पल्स हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक्चुअली आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिंगल टास्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर रन करते हैं. मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया एक्चुअली आपका वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ग्राफिक्स को, एनिमेशंस को और ऑडियो वीडियो को प्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के थ्रू. हाइपर मीडिया, हाइपर मीडिया आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट फोटोग्राफ्स और डिफरेंट एनिमेशंस के दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं सो दैट वो एक ही पार्ट के तौर पर एक्ट कर सकें. वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन एक्चुअली वो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है. फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन की एक एग्जांपल है. एमसीक्यू है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड. ऑप्शन ए में डाटा है, ऑप्शन बी में डाटा प्रोसेसिंग है, ऑप्शन सी में इन्फॉर्मेशन है और डी के अंदर नन ऑफ दीज है. अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. एक्चुअली ये डेफिनेशन है, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इज कॉल्ड का वर्ड यूज होता है तो इट मीन्स कि वहां पे कोई ना कोई डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो ये डाटा की डेफिनेशन है. डाटा प्रोसेसिंग जो है, डाटा प्रोसेसिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डाटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा कहलाती है. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ शॉपिंग थ्रू इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड. ऑप्शन ए में हमारे पास एम कॉमर्स है, ऑप्शन बी में ई कॉमर्स है, ऑप्शन सी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है. अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम शॉपिंग करते हैं थ्रू इंटरनेट एंड कंप्यूटर. इसका आंसर हमारे पास बी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से कोई ना कोई शॉपिंग जो है करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करना है या प्रोडक्ट को परचेज करना है, उसमें अगर मैं इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से ये सारा काम परफॉर्म करता हूँ तो वो ई कॉमर्स कहलाता है. एम कॉमर्स जो है, एम कॉमर्स एक्चुअली मोबाइल कॉमर्स है और इसके अंदर हम जितने भी सेल या परचेज करेंगे उसके अंदर हम मोबाइल्स को यूज़ करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ ना कुछ डिसीजन को ऑटोमेटिकली इटसेल्फ कंसीडर कर सके. फॉर एग्जांपल आपके पास रोबोट्स जो हैं और ऑटो पायलट जो है वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल है। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं सो दैट कि वो कोई ना कोई डाटा को इनपुट ले सके, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके, प्रोसेसिंग करने के बाद कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करे और फिर उस आउटपुट को स्टोर भी करे। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर दो चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, उसमें एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर के जितने भी टेंजिबल पार्ट्स होते हैं वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जितने भी नॉन टेंजिबल पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज नज़र आ रही है तो इमेज आपके पास एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। हार्डवेयर डिवाइसेस, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस अवेलेबल हैं। लेट्स से उसमें सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हैं, आपके वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है और इसके अलावा बेशुमार इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से आउटपुट रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं, उसमें हमारे पास प्रिंटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं और स्पीकर्स वगैरह आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेज आपके वो डिवाइसेज हैं जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें हार्ड डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, रैम और रोम है। आईओ डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस जो एट द सेम टाइम डाटा इनपुट करने के लिए भी यूज होते हैं और डाटा को आउटपुट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, आईओ डिवाइसेस कहलाते हैं। उनकी एग्जांपल्स में हमारे पास टर्मिनल है और टच स्क्रीन वगैरह आते हैं। इंटरकनेक्टर्स, इंटरकनेक्टर्स आपके एक्चुअली वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूएसबी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है और उसके अलावा बसेज हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास एड्रेस बस आती है, डाटा बस आती है और कंट्रोल बस वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस जो नेटवर्क बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास राउटर है, हब है, ब्रिज है, ये सारे के सारे क्या हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक्चुअली दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, उनमें हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आते हैं और इसके अलावा पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके एग्जांपल्स में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और एंटीवायरसेस हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें हमारे कंप्यूटर को कोई एक सर्टन टास्क परफॉर्म करने के अंदर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर किसी चीज़ के बारे में सर्च करनी है तो सर्च करने के लिए मैं गूगल क्रोम को यूज़ करता हूँ, दैट इज़ जो कि एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर पर मैं गेम खेलना चाह रहा हूँ तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो नॉर्मली गेम्स के होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए बनाए जाते हैं या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। सिमिलरली पैकेज सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास लेट से एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस एक्चुअली एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमारे पास एमएस वर्ड भी आता है, एमएस एक्सेल भी आता है, एमएस पावर पॉइंट भी और इसके अलावा बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमारे पास वापडा का जो बिलिंग सिस्टम है वो इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास। एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड इट्स रिसोर्सेज। ऑप्शन ए में हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी में है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी के अंदर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी के अंदर है नन ऑफ दीज। अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है हार्डवेयर एंड इट्स रिसोर्सेज। तो इसमें आंसर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का आता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल भी करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के अंदर हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो देखनी है या वेब ब्राउजिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल्स हमारे पास गूगल क्रोम है, कोई भी गेम है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, ये सारे के सारे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए के अंदर सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी के अंदर इंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन सी के अंदर हार्डवेयर है, ऑप्शन डी के अंदर नफदीज है। अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये एक एग्जांपल है किसकी,
ऑप्शन ए में हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी के अंदर इंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन सी के अंदर हार्डवेयर है और ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ चीज है। तो सीपीयू जो है, सीपीयू एक्चुअली आपका टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं और इसको हम फील भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर नॉन टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन एक्चुअली कोई एक सिंगल स्टेटमेंट होती है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारे पास हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइसेस, आपके वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इनके दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होते हैं और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आपके वो डिवाइसेस जिनके अंदर ह्यूमंस का इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है वो आपके डायरेक्ट डिवाइसेस कहलाते हैं, और आपके वो डिवाइसेस जिनके अंदर लेस ह्यूमन इंटरेक्शन होता है डिवाइसेस के साथ वो आपके इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स में हमारे पास ऑल काइंड ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस और इसके अलावा माइक्रोफोन्स हैं, जबकि इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड्स हैं और माउस वगैरह आते हैं। हमारे पास जितने भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं और जितने भी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस की भी एक एग्जाम्पल हैं। कीबोर्ड हमारे पास एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमें करेक्टर्स के फॉर्म के अंदर इनपुट करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल होता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 101 कीज होते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड वर्जन हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली क्यूरेटिव बेस्ड होता है। इसके अंदर हमारे पास टोटल चार टाइप्स के कीज़ होते हैं, उनमें हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं। न्यूमेरिक कीज़ में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। अल्फाबेटिक कीज़ हैं जिनमें A से लेकर Z तक कीज़ होते हैं। उसके अलावा फंक्शन कीज़ जो हैं, फंक्शन कीज़ हमारे पास 12 कीज़ होते हैं और ये F1 से लेकर F12 तक होते हैं। इनका मेन मकसद आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर कमांड एंटर करना होता है। उसके अलावा हमारे पास एडिशनल कीज़ हैं, इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास एस्केप की है, टैब की है और कैप्स लॉक की एटसेट्रा एटसेट्रा। कीबोर्ड की में सबसे पहले हमारे पास एस्केप का की है। एस्केप का की जो है किसी भी कमांड या किसी भी करंट टास्क को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। टैब की जो है वो कर्सर को नेक्स्ट टैब स्टॉप के ऊपर मूव करने के लिए यूज़ होता है। कैप्स लॉक की एक्चुअली एक टॉगल की है, इट मीन ये या तो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करता है, ये कभी भी नंबर्स और सिम्बल्स के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपका कैप्स लॉक की जो है वो ऑन स्टेट में है तो इसमें आपके पास जो भी आप करेक्टर एंटर करते हैं वो हमेशा अपर केस के अंदर नज़र आते हैं। सिमिलरली अगर ये आपका ऑफ स्टेट के अंदर है तो आपके जो भी करेक्टर्स होंगे वो आपको लोअर केस के अंदर नज़र आएंगे। उसके बाद शिफ्ट की है। शिफ्ट की नॉर्मली कम्बिनेशन विद अदर कीज़ के साथ इस्तेमाल होता है और नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें शिफ्ट का जो बटन है वो नॉर्मली लेटर्स को अपर केस लेटर्स के अंदर रिप्रेजेंट करता। कंट्रोल की जो है ये हमेशा कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये डिफरेंट बटन्स के साथ कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ होगा। सिमिलरली ऑल्ट की भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है और ये हमेशा कम्बिनेशन विद अदर कीज़ के साथ ही इस्तेमाल होगा। बैकस्पेस की जो है ये सिंगल करेक्टर को डिलीट करता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। सिमिलरली डिलीट की भी सिंगल करेक्टर को डिलीट करता है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ कर्सर। उसके अलावा अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये उस फाइल या फोल्डर जो है उसको डिलीट करने के लिए भी यूज़ होता है। कीबोर्ड की इसके आगे फर्दर है हमारे पास 9th पे एंड की है। एंड की जो है आपके कर्सर को लाइन के एंड पर मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। सिमिलरली होम की आपके कर्सर को लाइन के स्टार्ट के ऊपर मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। पेज डाउन की जो है कर्सर को 1 पेज डाउन ऑन द स्क्रीन मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। पेज अप की जो है कर्सर को 1 पेज अप ऑन द स्क्रीन मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। इंसर्ट की जो है ये भी एक टॉगल की है, इट मीन ये या तो ऑन स्टेट के अंदर हो सकता है या फिर ऑफ स्टेट के अंदर होता है। अगर आपके पास जो इंसर्ट मोड जो है वो ऑन है तो आप जो कुछ टाइप करेंगे वो ओवर टाइप मोड के अंदर लिखा जाएगा, और अगर ये आपके पास ऑफ स्टेट के अंदर है तो आप जो कुछ टाइप करेंगे वो इंसर्ट मोड के अंदर टाइप होगा। उसके बाद पॉज की है। पॉज की एक्चुअली आपके स्क्रीन को पॉज करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास प्रिंट स्क्रीन का की है। प्रिंट स्क्रीन जो है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की सिंपली स्नैपशॉट यूज लेने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास स्क्रोल की आता है। स्क्रोल की आपके कर्सर को या तो लॉक करने के लिए यूज़ होता है या फिर अनलॉक करने के लिए यूज़ होता है। ये हर किसी प्रोग्राम के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये चंद गिने चुने प्रोग्राम था जिनके अंदर ये की ऑपरेट करता है। MCQ है हमारे पास। द नंबर ऑफ कीज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड आर ऑप्शन ए में 100 है, ऑप्शन बी में 101 है,
ऑप्शन सी के अंदर 102 है, ऑप्शन डी के अंदर 103 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इसमें नंबर ऑफ कीज़ के बारे में पूछा गया है, किसके, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के। हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके अंदर ऑलमोस्ट 101 कीज़ हैं वो यूज़ होते हैं। इसके अंदर कभी भी अगर तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बजाय एक्सटेंडेड कीबोर्ड का वर्ड यूज़ होगा तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ कीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 107 या 106 के करीब आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग की डिलीट्स सिंगल करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। उसमें हमारे पास है बैक स्पेस, ऑप्शन बी में हमारे पास एस्केप की है, ऑप्शन सी में डिलीट की है, ऑप्शन डी के अंदर बोथ एंड सी है। अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा गया है कि वो कौन सा की है जो कि सिंगल करेक्टर को डिलीट करता है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। तो इसमें हमें पता है कि बैकस्पेस की जो है, बैकस्पेस की आपका जो भी करेक्टर है उसको कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करता है। एस्केप की जो है वो किसी भी कमांड को या फिर किसी भी करंट टास्क को रोकने के लिए यूज होता है, जबकि डिलीट की जो है ये आपके कर्सर की राइट हैंड साइड से आपका पर्टिकुलर करेक्टर जो है उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, आपके वो डिवाइसेस जो पॉइंटर या कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं वो आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। और नॉर्मली पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास हैं, सबसे पहले माउस है। माउस जो है ये एक स्मॉल बॉक्स होता है जो कि आपकी एक हाथ की हथेली के ऊपर इजीली फिट आ सकता है। इसमें अगर आपने कर्सर की पोजीशन को चेंज करना है तो उसके लिए इसके अंडर साइड पे एक बॉल होता है, आप बॉल को रोल करते हैं और उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसके अंदर इसको ऑपरेट करने के लिए हमें फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होती है और नॉर्मली इसके ऊपर 2 से 3 बटन होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है और इसके अलावा एक स्क्रोल का बटन जो है वो भी आपके पास अवेलेबल होता है। इसकी 2 टाइप्स नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं, एक मैकेनिकल माउस यूज़ होता है और एक ऑप्टिकल माउस यूज़ होता है। मैकेनिकल माउस जो है वो बॉल की मदद से आपके कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है, जबकि ऑप्टिकल माउस जो है वो लाइट की मदद से कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल एक्चुअली एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ माउस है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप माउस को उल्टा कर दें तो वो आपके पास एक ट्रैक बॉल बन जाता है। इट मीन्स के माउस के अंदर जो बॉल है वो उसकी बॉडी के नीचे होता है, जबकि ट्रैक बॉल के अंदर वो बॉल जो है उसके ऊपर आ जाता है। इसमें इसके अंदर भी जब हमने कर्सर की पोजीशन को चेंज करना है तो उसके लिए हमें बॉल को रोल करना पड़ता है। अब इसमें क्योंकि बॉल जो है अपर साइड के ऊपर होता है, इट मीन्स इसके लिए ना तो हमें फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होती है और ना ही उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी, ये हमेशा लेस वर्किंग स्पेस जो है वो रिक्वायर करता है। टच पैड जो है नॉर्मली लैपटॉप्स के अंदर यूज होता है। इसके अंदर एक फ्लैट सरफेस होती है जिसके अंदर हम अपने कर्सर की पोजीशन को फिंगर्स की स्लाइडिंग की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। आपका जो टच पैड है, टच पैड को नॉर्मली ट्रैक पैड भी बोला जाता है। उसके बाद टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन एक्चुअली टच सेंसिटिव डिस्प्ले है और इसके अंदर यूजर जो है अगर उसने इंटरेक्ट करना है तो वो स्क्रीन के ऊपर फिंगर या स्टाइलस की मदद से टच करता है, तो आपका कर्सर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं और एटीएम मशीन्स इसके एग्जांपल्स हैं। पॉइंटिंग स्टिक जो है ये एक्चुअली पेंसिल इरेजर की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल पुराने वक्तों में हमारे पास एक पेंसिल आती थी और उसकी बैक साइड पे एक छोटा सा रबर लगा होता था, तो पॉइंटिंग स्टिक की शेप जो है वो भी उस पेंसिल के इरेजर की तरह होती है। ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होता है और नॉर्मली कीबोर्ड के अंदर जहाँ पे जी एच और बी कीज होते हैं ये उन कीज के दरमियान फाउंड होता है। ये हमेशा उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमें लेस वर्किंग स्पेस में रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक में एक बेस होती है और एक स्टिक होती है। अगर आपने कर्सर को मूव करना है तो आप स्टिक की मदद से उसको मूव कर सकते हैं। इसकी जो शेप है वो गियर शाफ्ट की तरह होती है, जिससे आपके गाड़ियों के अंदर गियर बॉक्स होता है, इस तरह जॉयस्टिक की शेप भी बिल्कुल उसी तरह होती है। नॉर्मली ये आपका गेम्स के अंदर यूज होता है और इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइट पेन की शक्ल जो है बिल्कुल एक पेन की तरह होती है। ये कंप्यूटर के साथ एक वायर के थ्रू अटैच हुआ होता है। इसमें सिंपली क्या करना है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को टच सेंसिटिव स्क्रीन के साथ टच करेंगे तो ये क्या करेगा, वो पर्टिकुलर सिग्नल आपके कंप्यूटर तक आगे डिलीवर कर देता है। नॉर्मली इसको ग्राफिक डिजाइनर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद है डिजिटाइजिंग ग्राफिक टेबलेट। डिजिटाइजिंग ग्राफिक टेबलेट्स को हम डिजिटाइजर्स भी बोलते हैं। ये एक फ्लैट पैड होता है जो कि स्टाइलस या पक की मदद से कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ होता है। पक जो है, पक एक माउस लाइक डिवाइस होता है जो कि आपके कोई भी इमेजेस वगैरह या कोई भी ड्राइंग्स वगैरह है तो उनको ट्रेस करने के लिए, उनको कॉपी करने के लिए यूज होता है। स्टाइलस जो है, स्टाइलस हमारे पास एक पेन की शेप का डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट स्केचेस को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली आपके
डिजिटाइजिंग ग्राफिक टेबलेट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं। पेन बेस्ड सिस्टम जो है, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी हैंड रिटन डाटा एंटर करना है तो उसके लिए हम स्टाइलस को यूज़ करते हैं, और स्टाइलस जो है या तो आपकी वायरलेस हो सकती है या फिर वायर्ड भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक MCQ है, अ डैश इज़ अ कॉपिंग डिवाइस विद विच यूज़र कॉपीज एन इमेज। ऑप्शन ए में हमारे पास पक है, ऑप्शन बी के अंदर स्टाइलस है, ऑप्शन सी के अंदर पॉइंटिंग स्टिक है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज़ है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है, एक कॉपिंग डिवाइस है जिसकी मदद से यूजर क्या करता है, एक इमेज को कॉपी करता है। उसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास पक है, क्योंकि पक ही वो डिवाइस है जिसकी शेप जो है वो एक माउस की तरह होती है और वो डिफरेंट इमेजेस को कॉपी या फिर ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टाइलस जो है, स्टाइलस एक पेन लाइक डिवाइस होता है जो डिफरेंट इमेजेस को स्केच करने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉइंटिंग स्टिक जो है, पॉइंटिंग स्टिक एक टच सेंसिटिव डिवाइस होता है जो कि हमेशा GH और B कीज के दरमियान पॉइंट होता है, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास पक ही बनता है। उसके बाद है हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आपके स्कैनिंग डिवाइसेस या सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर को UPC भी बोलते हैं, दैट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये हमेशा नॉर्मली आपके डिफरेंट बार कोड्स को रीड करेंगे और उनको फिर ट्रांसलेट करने के बाद एक डिजिटल कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये नॉर्मली शॉपिंग मॉल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और इनका मकसद आपकी जो शॉपिंग है या जो बिलिंग सिस्टम है उसको इन्हांस करना या उसको स्पीड अप करना होता है। उसके बाद हमारे पास MICR है, दैट इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये आपका ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रिंटेड करेक्टर्स को रीड करता है, लेकिन उसके लिए वो प्रिंटेड करेक्टर जो है वो मैग्नेटाइज इंक के थ्रू लिखे होना चाहिए। नॉर्मली आपके डिफरेंट जितने भी बैंक्स के चेक्स हैं ये उनको वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिफरेंट पेंसिल मार्क्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई इसको हम मार्क्स प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, और ये सिंपली आपके डिफरेंट आंसर शीट जिनके अंदर हमारे पास MCQs होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास OCR है, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो है ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो प्री प्रिंटेड करेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो प्री प्रिंटेड करेक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होंगे। अगर वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है तो आपका OCR उनको रीड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूटिलिटी बिल्स हैं और इसके अलावा प्राइस टैग्स जो हैं ये हमेशा OCR की मदद से रीड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है जो कि कंसिस्ट करता है एक स्ट्रिप के ऊपर, और वो स्ट्रिप क्या करती है, अपने अंदर मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा जो है उसको स्टोर करती है। ये हमेशा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। नॉर्मली हमने अक्सर मूवीज के अंदर देखा है कि एक पर्सन अगर किसी रूम के अंदर एंटर होता है तो उसके लिए वो एक कार्ड को यूज करता है जो स्लाइड करता है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड के अंदर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है और एक मेमोरी होती है। आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसके अंदर आपकी वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। माइक्रो प्रोसेसर जो है आपके रीडर के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और मेमोरी आपकी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास मोबाइल सिम्स हैं और क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके बाद है हमारे पास फेस्टिमाल ट्रांसमिशन मशीन, जिनको हम नॉर्मली फैक्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स को ओवर टेलीफोन लाइंस या तो सेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर रिसीव करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। और इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका टेक्स्ट जो है वो भी यूज हो सकता है, इमेज भी यूज हो सकती है, या फिर हैंड रिटन डाटा भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक आपके पास डेडिकेटेड फैक्स मशीन होती है और एक आपके पास फैक्स मॉडम होता है। डेडिकेटेड फैक्स मशीन जो नॉर्मली हम फैक्स मशीन देखते हैं उसको डेडिकेटेड फैक्स मशीन बोलते हैं। इसकी जो इनपुट है वो एक हार्ड कॉपी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, और फैक्स मॉडम जो है ये नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर ही फिट होता है और इसकी जो इनपुट है वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद इमेजिंग सिस्टम है। इमेजिंग सिस्टम को हम नॉर्मली ग्राफिक स्कैनर्स भी बोलते हैं, और इसका काम सिंपली आपके टेक्स्ट को, ड्राइंग को या फिर प्रिंटेड फोटोज को रीड करना होता है। इसके अंदर ये सारे के सारा काम जो है ये रास्टर ग्राफिक्स की मदद से काम परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास है ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। आपके वो डिवाइसेस जो ऑडियो इनपुट को रीड करने के लिए यूज होते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये सारे का सारा काम जो है वो एक ऑडियो बोर्ड की मदद से करते हैं जो क्या करता है, आपके एनालॉग साउंड सिग्नल्स को डिजिटल साउंड सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास माइक्रोफोन है। वीडियो इनपुट डिवाइसेस। वीडियो इनपुट डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर फुल मोशन रिकॉर्डिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके वीडियो कैप्चर कार्ड को यूज करते हैं और इसके अंदर एनालॉग वीडियो सिग्नल्स को डिजिटल वीडियो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करके दे देते हैं आपको।
इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। फ्रेम ग्रैबर जो है ये सिंगल फ्रेम को एक सेकंड के अंदर एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है, जबकि फुल मोशन वीडियो कार्ड जो है ये 30 फ्रेम्स को पर सेकंड के हिसाब से ऑडियो एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करके दे देता है आपको। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है, विच डिवाइस यूजेस द लाइट डिटरमिन लोकेशन ऑफ पेंसिल मार्क्स ऑन आंसर शीट। ऑप्शन ए में है हमारे पास बार कोड रीडर, ऑप्शन बी के अंदर स्टाइलस है, ऑप्शन सी के अंदर OMR है, ऑप्शन डी के अंदर MICR है। अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो आपका कौन सा डिवाइस है जो कि लाइट को यूज करता है पेंसिल मार्क्स को रीड करने के लिए। उसमें ऑप्शन जो है हमारे पास OMR है, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ही एक ऐसा डिवाइस है जो पेंसिल मार्क्स को रीड करने के लिए यूज होता है। ये नॉर्मली आपका सेट और GRE के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आंसर शीट्स के ऊपर MCQs के आंसर्स को रीड करने के लिए यूज होता है। बारकोड रीडर जो है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, दैट इज बारकोड को रीड करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली ये आपका बिलिंग के अंदर इस्तेमाल होगा। स्टाइलस जो है, स्टाइलस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसकी शेप जो है एक पेन की तरह होती है। नॉर्मली ये किसी भी कंप्यूटर के ऊपर या डिजिटाइजिंग ग्राफिक टेबलेट के ऊपर चीजों को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। MICR जो है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और ये नॉर्मली बैंक के जितने भी चेक्स होते हैं उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू। ऑप्शन ए में है मैकेनिकल सिग्नल्स, ऑप्शन बी के अंदर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑप्शन सी में है केमिकल सिग्नल्स, ऑप्शन डी के अंदर है नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है माइक्रोफोन क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, साउंड सिग्नल्स को किस फॉर्मेट के अंदर। अब क्योंकि माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो के फॉर्मेट के अंदर आपकी इनपुट जो है वो कंप्यूटर को देता है। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आपका डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर ऑपरेट करता है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो भी डाटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में जाएगा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी बनता है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।